Hello, my dearest friends. What's up? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों. अच्छा दोस्तों, जब हम इंग्लिश को पढ़ना शुरू करते हैं और उसके बाद जब सीखना शुरू करते हैं, सीखने के बाद जब इंग्लिश में हमको बोलना है अगर या लिखना है किसी भी चीज़ को, तो हमारे सामने कई बार एक बहुत बड़ी समस्या आके सामने खड़ी हो जाती है. बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है. वो चैलेंज क्या है दोस्तों? वो चैलेंज है दोस्तों, वर्ब के पाँचों फॉर्म्स का पता नहीं होना. जैसे मान लेते हैं आपको सेंटेंस बनाना आता है, आपने ऑलरेडी सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख लिया है, ग्रामर भी सीख लिया है, लेकिन अगर उस सेंटेंस में एक कोई खास वर्ब है जिसका सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज़ होगा और अगर आपको वो नहीं पता, तो फिर वो सेंटेंस हम या तो हम बोल नहीं पाते या लिख नहीं पाते. हमारे इंग्लिश नहीं बोल पाने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमको वर्ब्स के पाँचों फॉर्म्स पता नहीं होते. अच्छा, होता क्या है, अगर मान लेते हैं अंदाज़ा लगा के हमने कुछ बोल भी दिया या लिख दिया, खास करके अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें अगर कुछ लिख दिया और वो गलत हो गया, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं. अगर बोल भी रहे, इंटरव्यू दे रहे हैं और वहाँ पर गलत वर्ब के गलत फॉर्म का यूज़ कर दिया हमने, या हमने कुछ कोई नया फॉर्म सोच के यूज़ कर लिया अपनी मर्ज़ी से, तो बात तो बनेगी नहीं. तो दोस्तों, हमको ये सब सारी चीज़ें तो सीखनी चाहिए. तो दोस्तों, इस ये जो हमारे सामने चैलेंज आता है, इसको ओवरकम करने के लिए आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेक्चर्स की नई सीरीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. इसका नाम है दोस्तों, वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ वर्ब कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन का मीनिंग होता है रूप परिवर्तन या रूपांतरण. तो वर्ब के पांच फॉर्म्स होते हैं, पांचों फॉर्म्स कैसे बनते, असल में ये होते क्या हैं, इनका यूज़ क्या है और ये कैसे होते हैं. यानी कि जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. जैसे एक वर्ड है गो. गो का मतलब है जाना. तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये तो हम जानते हैं. लेकिन जैसे एक वर्ड है लाई, LIE, लाई, एक वर्ब है. इसकी दो मीनिंग है, एक मीनिंग है झूठ बोलना और एक मीनिंग है लेटना. तो झूठ बोलने वाला जब मीनिंग होगा तब उसके पांचों फॉर्म्स क्या होंगे, और जब लेटने वाला मीनिंग होगा तब उसके पांचों फॉर्म्स क्या होंगे. अब अगर हमको ये सब नहीं पता तो हम कैसे इंग्लिश बोलेंगे? नहीं बोल सकते ना. अगर आपको सेंटेंस बनाना आता है तो भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमको पाँचों फॉर्म्स पता ही नहीं है. तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ है इसको आप परचेज कर सकते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल है, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ. तो पहली चीज़ इसमें जो समझने वाली वो ये है दोस्तों, कि दिस सीरीज़ विल कवर वर्ब्स ऑफ डेली यूज़. अब इसमें डेली यूज़ के जो वर्ब्स हैं जिनको हमको दिन रात बोलने की ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश कम्युनिकेशन को करने के लिए, अगर इंग्लिश में बातचीत करनी है किसी से या कुछ लिखना ही है, तो जो अक्सर हमेशा यूज़ होने वाले वर्ब्स हैं वो वर्ब्स इसमें आपको मिलेंगे इस सीरीज़ में, क्योंकि सबसे पहले हमको उन्हीं को सीखना ज़रूरी है. अच्छा दोस्तों, ये कितने वर्ब्स हो सकते हैं, या हमको कितने वर्ब्स कम से कम सीखने चाहिए कि हम किसी भी टॉपिक पर कहीं पर भी किसी से भी सक्सेसफुली बात कर सकें? तो दोस्तों, इसके लिए आपको मिनिमम 1000 वर्ब्स तो सीखने ही चाहिए. इसीलिए दिस सीरीज विल कवर 1000 वर्ब्स विद 5 फॉर्म्स. तो इस सीरीज में आपको 1000 वर्ब्स के पांचों फॉर्म्स के साथ वो सारे वर्ब्स आपको मिलेंगे. वैसे अगर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ अलग से, तो अगर आपको सक्सेसफुली, जैसे लंबी देर तक, घंटों तक अगर आपको बात करनी है किसी भी टॉपिक पर, तो इसके लिए कम से कम आपके पास 8000 से लेके 12000 वर्ड्स, सिर्फ वर्ब्स नहीं, उसमें नाउन्स भी होंगे, एडजेक्टिव्स भी होंगे, प्रेपोजिशंस भी होंगे, 8000 टू 12000 वर्ड्स किसी को भी पता होने चाहिए. ये धीरे धीरे आप सीख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है. थोड़ी थोड़ी पढ़ाई रोज़ करके इसको सीखा जा सकता है. तो दोस्तों, दिस सीरीज विल कवर 1000 वर्ब्स पांचों फॉर्म्स के साथ. अच्छा दोस्तों, ये 1000 वर्ब्स को कवर करने के लिए हम कितनी वीडियो लेक्चर्स हमको चाहिए, कितनी वीडियोज़ हमको चाहिए? तो ये कवर करने के लिए दोस्तों, वी शुड हैव 40 वीडियो लेक्चर्स. तो इस सीरीज़ में आपको 40 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी 40 वीडियोज़ आपको भेजूंगा मैं. अच्छा दोस्तों, ये जो वीडियोज़ होंगे ये कैसे होंगे? इन वीडियोस को मैंने आज तक बनाया नहीं है कभी. अच्छा, इनकी ये जो पांचों फॉर्म्स हैं, इनकी कोई किताब भी नहीं है इंडिया में कि आदमी खरीद ले कहीं से और पढ़ ले और सब कुछ सीख ले और इंग्लिश में बोलना या लिखना शुरू कर दे. इसलिए भी दोस्तों, ये सीरीज़ बनाने का एक कारण ये भी था. अच्छा, ये जो वीडियोज़ है, जैसे दोस्तों मैं आपको जैसा बता रहा था, ये मैंने आज तक वीडियोज़ बनाए नहीं है. इनको मैंने किसी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, मैंने कहीं फेसबुक पर कहीं नहीं डाला इनको. ये सिर्फ मैं आपके लिए बनाऊँगा, आपके लिए, जो आप इसको परचेज करेंगे. तो दोस्तों, ये अनपब्लिश्ड यूनिक वीडियोज़ हैं, ये एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं, ये सिर्फ उनके लिए बना रहा हूँ मैं जो इस सीरीज़ को परचेस करेंगे. अच्छा दोस्तों, ये वीडियोज़ जब आप मान लेते हैं, जब आप इसको परचेस करेंगे, तो ये मैं आपको वीडियोज़ भेजूंगा कैसे? तो दीज वीडियोज़ विल बी सेंट टू यू थ्रू ईमेल से भेजूंगा आपको. ईमेल से भेजने के पीछे का रीज़न ये है
कि अगर मैं आपको ये पेन ड्राइव से भेजूँ, अब पेन ड्राइव में 40 वीडियोज़ के लिए बहुत स्पेस चाहिए, तो उस पेन ड्राइव की कीमत इसमें इंक्लूडेड हो जाएगी इस पैकेज में, फिर इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो दिक्कत है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको या किसी के ऊपर भी इतना बर्डन पड़े, इसीलिए दोस्तों ईमेल्स मैं आपको भेजूंगा, आप एक एक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर भी आप करना चाहें। अच्छा दोस्तों, इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही नॉमिनल है, तो मैं आपको बता दूँ कि द प्राइस ऑफ दिस सीरीज इज ₹399, यानी लगभग ₹400 इसकी प्राइस है। और ये जो अमाउंट है इस पैकेज का जो प्राइस है, दैट यू हैव टू पे थ्रू गूगल पे और पेपैल। आप इसको गूगल पे से या पेपैल से पे कर सकते हैं। गूगल पे जितने भी लोग इंडिया में वो आसानी से गूगल पे से पे कर सकते हैं। अगर आपके पास गूगल पे नहीं है फ़ोन पे आपके फ़ोन पर, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एक से डेढ़ मिनट में गूगल पे डाउनलोड हो जाता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो इंडिया से बाहर है, जो लोग दूसरी कंट्रीज के लोग हैं, वो गूगल पे से तो पे नहीं कर सकते, तो आप पेपैल से पेमेंट कर सकते हैं। पेपैल में ईमेल आईडी से बनता है अकाउंट, और बड़ा ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल, पेपैल को चलाना मुश्किल नहीं है, तो गूगल पे से या पेपैल से कर सकता है। अच्छा दोस्तों, ये जो गूगल पे का नंबर है या पेपैल की जो ईमेल आईडी है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको गूगल पे का जो नंबर है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, वो आपको मिल जाएगा, आप उसके थ्रू कर सकते हैं पेमेंट, और ईमेल आईडी तो है ही। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है गूगल पे का, तो कई बार लोग उस नंबर पर फ़ोन करते हैं, उनको लगता है कि उनकी मुझसे बात हो जाएगी, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, वो नंबर मेरी टीम के पास होता है, इसलिए उस नंबर पर मुझसे बात नहीं हो पाएगी। हाँ, उस नंबर पर अगर आप कोई व्हाट्सएप है उस नंबर पर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो वो मैसेज फिर मुझे मिल सकता है बाद में, अगर कोई इस तरह की बात होगी तो, अदरवाइज़ मेरी टीम है, उसके पास वो नंबर होता है। अच्छा दोस्तों, जब आप पेमेंट करेंगे गूगल पे से, तो आपको यू शुड मेंशन योर नेम एंड ईमेल आईडी इन गूगल पे। अब गूगल पे में मैसेज भेजने के लिए एक जगह होती है, तो वहाँ पर आपको अपना नाम और अपनी ईमेल आईडी ज़रूर लिखनी चाहिए, जिसे कि मैं आपको आपकी ईमेल आईडी पर आपके नाम के साथ, अगर मुझे आपको कभी एड्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको भेज सकूँ। अच्छा दोस्तों, ये जो इसका जो डिलीवरी का टाइम है, वो 2 वीक्स का टाइम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जिस दिन आप पेमेंट करेंगे, उसके 2 हफ्ते के बाद से आपको वीडियोज़ की डिलीवरी स्टार्ट होगी, और एक एक करके सारे वीडियोज़ आपको कंसिक्वेंटली भेजे जाएंगे। मैं आप फिर से दोहराता हूँ, जिस दिन आप पेमेंट करेंगे, उसके 2 हफ्ते के बाद से। इतना टाइम क्यों लगता है? इतना टाइम इसलिए लगता है दोस्तों कि हमारे पास बहुत वीडियोज़ जो होती है, बहुत प्रोसेसेस हैं, हमको सारे सब कुछ देखना पड़ता है, इसलिए 2 हफ्ते का हम लोग एक टाइम लेते हैं बीच का। तो 2 हफ्ते के बाद आपको वीडियोज़ एक एक करके डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पैकेज को लेने से आपकी वर्ब की जो कॉन्जुगेशन का जो चैलेंज है, वो आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, और आप बड़ी आसानी से वर्ब्स को यूज़ करके बड़ी अच्छी इंग्लिश को बोल पाएंगे या लिख भी पाएंगे। जाने के पहले दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं, मास्क ज़रूर पहने, लोगों से दूरी बना के रखें। अगर आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद इंसान है जिसको मदद की ज़रूरत है, और अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो आपको उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। चिड़ियों को खाना पानी देना चाहिए, जानवरों को खाना पानी देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।